करने इस शक्ति हिट कर दिया तो थोड़ा बचा करो 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 दोनों आंखें खोल के करो राबिया, आंखें खोल के करो। बॉडी वेट बैलेंस करो, ऊपर से आप उधर हो रही है, बैलेंस रखो। Thank you.
तो मैंने आपको बताया था ना कि जो चीज़ें सिखा रहा हूँ पहले उस चीज़ों को सही तरह सीखो। आपने उसकी जो ये एल्बो है ये ऐसे हाँ जी अभी उसको ऐसे जब शोल्डर ऐसे ऊपर जाता है ना तो कौन ये बिजारी बात है प्रेशर पड़ता है ये आप प्रेशर फिर आपको ये प्रेस करें उसको नीचे हाँ ये और उसको ऐसे ये समझा गए और ये उस बंदे के साथ नहीं करनी जिसका कद आपसे पहले ही बड़ा है ये चीज ये जब इसके अंदर फायर हम करते हैं ये बुलेट इसके अंदर ही रहते हैं ये जो जगह बनी है ना ये वाली ये फ्रंट और बैक से बिल्कुल इसके पीछे बुलेट प्रूफ शीट्स लगी हुई हैं ये गोली इसके अंदर ही रहती है बाहर नहीं निकलती कुछ टाइम के बाद हम लोग जो है वो जो लोग इसका ठेका लेते हैं ना इसके केस वगैरह या बुलेट्स का वो फिराते हैं इधर जो सामने वो मट्टी लगी हुई है उस मट्टी को वो ऐसे छानते हैं छान के वो बोल्ट इकट्ठा करके वो फिर ले जाते हैं सेव करते हैं जाकर इसके अंदर भी जमा होते हैं वो फिर इसको खोल के यहाँ से ये ऊपर से ऐसे निकालते हैं ओके ये वो चीज़ है कि अगर किसी घर का दरवाज़ा इधर है तो फिर रूम के अंदर एंट्री का तरीका कार मुख्तलिफ है अगर दरवाज़ा दरमियान में है फिर मुख्तलिफ है अगर एक कार्नर पे है तो फिर लोगों की एंट्री का जो होता है वो मुख्तलिफ होता है आप चार लोग कमरे के अंदर इंटर हुए हैं दहशत गर्दों को मारे हैं उनको पता चल रहा है कि आगे फिर कमरा है तो आगे कमरे की सर्चिंग के लिए फिर ज़्यादा तरीका कार होगा ये क्लियर करने के बाद फिर अगला कमरा फिर अगर उससे भी वो मल्टीपल हम मल्टियाँ करते हैं उसके लिहाज से ये आगे सारा चल रहा होता है अंडरस्टैंड इधर आए दोबारा ये देखें आगे आ जाए अगर किसी बंदे का कद बड़ा है तो वो आपको आपको ये भी नहीं करने दे रहा कि आप उसको ऐसे करेंगे कद बढ़ाया तो वो आप अप्लाई नहीं कर सकते ठीक है सर फिर आप क्या करेंगे फिर आपने ये सेकंड लिया फिर आपने ये वाला बाजू यहाँ से ऐसे इधर यहाँ से इसको ऐसे करना है ये कद लंबा हो तो ये सब डिजाइन में करता हूँ आप ही बता देंगे ऐसे ये कौन इसके नीचे अभी मैं यहाँ से इसको दबाऊँ यहाँ से ऊपर तक ये वैसे भी की जा सकती है ना ये हाँ ये अगर बड़ा भी है तब भी आप कर सकते हैं मतलब अगर हैंडशेक के अलावा भी हाँ हो गया ये आप लोगों का यस सर फिर जो अंदर है वो बचता नहीं है फिर उसका कहता ये नहीं होता कि मार के तो भाग जाना नहीं उसका फिर क्लियरेंस का तरीकाकार होता है फिर अपना जख्मी है कितने लोग उनके हैं वो सारा सेट हर बंदे की कान में सेट लगा होता है उसके ऊपर वो बोल रहा होता है ऑपरेशन कमांडर भी उस चीज़ को सुन रहा होता है और अदर देन कोई पर्सन भी जो है वो उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करता सिवाय उन लोगों के जो टीमें मूव कर रही होती हैं अंडरस्टैंड यस सर तो
ये आपका कब है कि आप ठीक है आराम से आप इसको सलाम कर रहे हैं अगर उसमें चार्ज कर लीजिए सर मैंने पकड़ लिया कैसे छुड़ाओ ना ऐसे नहीं ना इसको यहाँ से यूँ दबाओ नहीं वो छोटा है वो मुझे पे जल्दी काटेगा हाँ ये ठीक है यहाँ से इसको ऐसे पुश करेंगे ऊपर से पकड़ के दोनों तरफ से ओके अभी देखेंगे मैं आपकी छः के अंदर दूसरी प्रैक्टिस होगी वो क्या होगी कि आपने छः के अंदर से लिया है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बंदा आपका हाथ नहीं छोड़ रहा है आप ये उल्टा करते हैं वो दो ठीक होगा यस सर नहीं करता तो आप क्या करेंगे ये वाला जो आपका हाथ है ये लेफ्ट हैंड वाला ये आप नीचे ठीक है और टर्न कर देना है आपने उसकी जो कोने में वो आपने छोड़ने जो कर दिया यहाँ और ये फॉरवर्ड लीविंग स्टांस आपका बन जाएगा प्रेस करेंगे और इसको कोने को ऐसे ऊपर दबाएंगे और ये दोनों लाते हैं ठीक है इसके बाद में छोड़ देना करके और सलाम करना है सामने सलाम जब देते हैं तो अल्लाह का सलाम हो मैं यहां पर अस्सलाम वालेकुम गुड आप करेंगे ना कर को ये ठीक है दर्द आप मेरी बात सर ये यहां पे ये वाले सामने सलाम वालेकुम सर 2 3 कट अभी مزید بریف سٹاف اپ کو کریں अच्छा ये हमारा अभी ये न्यूली एस्टेब्लिश हुआ है ये तकरीबन कोई महीना इसको हो गया ये हमने बना दिया इसको शूटिंग क्लब ठीक है और फिर वो उनको हम फी सेशन के हिसाब से चार्जेस पे जो है ना यहाँ पे ट्रेनिंग कोचिंग भी देते हैं और फायर भी करवाते हैं ठीक है वेपन हमारे भी इस्तेमाल हो सकते हैं एमुनेशन और अपनी भी इस्तेमाल अगर आप लोग के पास लाइसेंस है तो भी ट्रेनिंग दे सकते हैं ठीक है अगर नहीं है तो हम आपको नहीं दे सकते हैं प्रोहिबिटेड बोर पे नहीं दे सकते ठीक है ये हमारे मूविंग टारगेट्स हैं लेफ्ट राइट भी यहां पे हम सिर्फ पिस्टल डिफाइड करवाते हैं जब आप लोगों की वेपन की क्लास होगी वो यहीं पे रेंज पे होगी इधर ही होगी उसके बाद हम आप लोगों को फायर कराएंगे कुछ यहाँ पे कराएंगे कुछ बाहर आउटडोर में कराएंगे ठीक है yes, तो आप फिर मजीद साथ साथ कोचिंग देते जाएंगे इसके अलावा अगर आप लोगों के जहन में कोई बात है तो पूछे सर ये आप इसे ट्रेनिंग करें तो आप लोग लाइसेंस भी इशू करते हैं या नहीं नहीं लाइसेंस हम नहीं इशू करते वो या डी सी ऑफिस या इंटीरियर मिनिस्ट्री से आपने क्या समझा ये शहबाज शरीफ का ये का नहीं मैंने समझा कि वो ट्रेनिंग दे के और उसके बाद वो करते हैं और यानी क्या क्वेश्चन नो सर की मूविंग आप लोग बिल्कुल को भूख हो और पता नहीं खाना के लिए डालते हो आपने पूछा कि सर ये टारगेट मैंने वो क्यों कर रहे हैं आगे क्यों आ रहा है पीछे क्यों जा रहा है